हेलो नमस्ते, राम राम। तो मेरा नाम कार्तिक राजन है और मैं ये हाउस बिल्डिंग की सीरीज अभी बना रहा हूँ। इसमें फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी व्हाट इज़ हाउस बिल्डिंग, तो ये सेकंड वीडियो है रिक्वायरमेंट्स फॉर हाउस बिल्डिंग। तो दो टाइप्स मैंने रिक्वायरमेंट्स को बांटा है, एक तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और एक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट B1 मिनिमम होना चाहिए गोएथे का आपके पास जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि सारी जो पढ़ाई होती है वो जर्मन लैंग्वेज में होगी। जो आप प्रैक्टिकल्स करोगे, वर्क करोगे, वो आपको जर्मन लैंग्वेज में करना है। तो B1 मिनिमम रहता है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट है या फिर कुकिंग है, मैकडोनल्ड्स है, गेस्ट्रोनॉमी के फील्ड्स हैं, और लगभग 50% हाउस बिल्डिंग्स आपके B1 पे हो जाते हैं, अप्लाई हो जाता है। लेकिन IT के सेक्टर में जो इतने भी हाउस बिल्डिंग्स हैं, या फिर ऑटोमेशन में हैं, या मैकेनिक्स के, या नर्सिंग है, इनमें आपका थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए B2 मिनिमम रहता है। कुछ लोग C1 भी मांगते हैं कुछ कंपनीज, तो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। लेकिन B2 सीवेज रिक्वायरमेंट के बाद बात आती है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। एजुकेशन रिक्वायरमेंट एक आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने अपना स्कूलिंग पूरी की हुई है, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ उसमें आपके नंबर कोई मैटर नहीं करते। जैसे 10th 12th में अगर आपके 50 से ज़्यादा नंबर हैं तो वो ठीक हैं, वैलिड हैं। IT के सेक्टर में शायद दिक्कत होती है, IT में अच्छे नंबर मांगते हैं, बाकी सब फील्ड में चल जाता है। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट हाउस बिल्डिंग के लिए। और कुछ चीज़ें मैं व्हाट इज़ हाउस बिल्डिंग में बतानी भूल गया था, जैसे कि हाउस बिल्डिंग 3 साल का होता है, उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, और हाउस बिल्डिंग में जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो विद टैक्स होता है, उसमें आपका टैक्स कटता है हाउस बिल्डिंग का स्टाइपेंड में से। अच्छा, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो डिपेंड आपका करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड था। अगर आपने 12th पास की है, फ्रेशर हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी एज है, आपका गैप है 12th क्लास के बाद, आपने कुछ किया है, तो वो चीज़ जो आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो उससे मैच होना चाहिए, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि अगर आपने 12th के बाद कोई होटल में काम किया या होटल मैनेजमेंट इंडिया से किया है, तो यहाँ पे अगर आप होटल में अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो कि भाई मैंने होटल का, मुझे एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज मैं अभी सीख रहा हूँ, तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी बाकी लोगों से ज़्यादा। ऐसे ही कोई और फील्ड है, जैसे अगर आपने नर्सिंग की हुई है इंडिया में और आप यहाँ पे आना चाहते हो, या हाउस बिल्डिंग दोबारा करना चाहते हो, या फिर जॉब के लिए देख रहे हो, तो आपको प्रायोरिटी देंगे ये लोग। आपकी जो प्रोफाइल होगी उस पर अच्छा इंप्रेशन बनेगा। और कोशिश ये करो कि जो आपको यहाँ पे आके फील्ड चूज़ करना है उसके रिलेटेड कोई कोर्स लैंग्वेज के साथ साथ कर लो। जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, यहाँ पे होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कोशिश करो इंडिया में कोई होटल में वर्क देख लो, जो कि आपको 6 महीने का एक सर्टिफिकेट बना के दे दे कि आपने वहाँ पर काम किया है। तो उससे आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी बाकी लोगों के मुकाबले आपकी प्रोफाइल में। और ये थी रिक्वायरमेंट बेसिक, कुछ रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए वो बता देता हूँ। रिज्यूम, जो कि CV होती है आपकी, उसके बाद आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि 12th क्लास के बाद, और आपकी दोनों 10th 12th की मार्कशीट, और एक मोटिवेशन लेटर होता है, जैसे कि आप क्यों ये वाला कोर्स करना चाहते हो, आपने यही फील्ड क्यों चुना, उसके बारे में एक पेज लिखना होता है आपको कि भाई क्या मोटिवेशन है आपकी, वो हो गया। उसके बाद एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है जो कि कंपलसरी होता है। उसके बाद पासपोर्ट मेन चीज़ है ही, और मेन चीज़ें तो यही थी। अगर कुछ आपका डाउट है जो आपको लगता है कि मैंने नहीं कवर किया रिक्वायरमेंट्स में, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा यूज़र नेम मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी वीडियो रिक्वायरमेंट्स फॉर हाउस बिल्डिंग। अब नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर हाउस बिल्डिंग, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर बन गई है तो। और तब तक के लिए भाई बाय बाय, राम राम।